सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल पर बड़े सवाल उठे हैं पीछे, तो आपको क्या इसमें पॉलिटिकली जो ऑटो अटैक्स हुए विपक्ष की तरफ से कि इनका गलत और मिसयूज हुआ है, हाउस में भी इन बातों को विपक्ष ने रखा, तो क्या इसमें गवर्नमेंट क्या किस लेवल पे इसको मान रहे हैं, कि आपका आकलन इसमें क्या कहता है? नहीं, आप मेरिट पर जाइए ना कि अगर पार्थो चटर्जी के यहाँ रेड हुआ और 20 करोड़ रुपया अगर पाया गया तो वो गलत था क्या, या अगर नवाब मलिक या अनिल देशमुख महाराष्ट्र के अंदर जेल के अंदर बंद है तो वो गलत है क्या। इसलिए मेरिट पर, या बिहार के अंदर रेड हुई तो बिहार में रेड कोई पहली बार हुई क्या? जब यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री, तब लालू के यहाँ रेड हुई, उसमें तो मुख्यमंत्री थे वो, और जब जेल गए तो उस समय सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार तो थी नहीं, वो खुद ही मुख्यमंत्री थे और उनको जेल जाना पड़ा। तो आप देखिए, जो पॉलिटिकल करप्शन है तो अगर उस पर कोई सरकार चोट करती है, आज नीतीश जी भाई, ये ललन सिंह, ये सारे सीबीआई को लालू के खिलाफ कागज़ देने वाले यही लोग हैं, पिटीशन देने वाले यही लोग हैं। या तो ललन सिंह और नीतीश कुमार कह दें कि जो हम लोगों ने कागज़ दिया सीबीआई को या ईडी को, वो गलत था, फर्जी था, और फर्जी कागजात के आधार पर उनको कार्रवाई हुई, और हम बिहार की जनता से क्षमा मांगते हैं, लालू जी हमारे पास आ गए, वो निर्दोष हैं, बोल दें वो। तो ये नौकरी, रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाना, एक दर्जन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ इन लोगों ने दिया, या फिर और सीबीआई ने, भाई हर आदमी तो पूरा कागज़ दे नहीं सकता है, आप तो केवल थोड़ा सा सांकेतिक कुछ देते हैं। तो आप उस मेरिट पर आइए ना कि अगर तेजस्वी यादव पर जो सीबीआई, अभी जो आईआरसीटीसी का मामला चल रहा है, 2017 में नीतीश जी ने इसी आधार पर गठबंधन तोड़ दिया कि सीबीआई का रेड हुआ, और कहा कि तेजस्वी यादव आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए मैं गठबंधन तोड़ रहा हूँ। उस पर बाद में चार्जशीट हो गई, उसका बेल पर है, ट्रायल शुरू होना था, कोविड के कारण ट्रायल में विलम्ब हो गया, ट्रायल कभी भी शुरू हो जाएगी। तो आप मेरिट पर आई ना कि वो मामला क्या था, कि लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने दो होटल रेलवे का दिया सुजाता ग्रुप को, जो पटना का चाणक्य होटल है, रांची और भुवनेश्वर का, और उसके बदले में प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी में पटना की बेशकीमती ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई, और बाद में डिलाइट मार्केटिंग जो कंपनी थी उसके शेयर होल्डर और डायरेक्टर बन गए तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। तो बिना पैसा लगाए हुए कंपनी के मालिक बने, और कंपनी के अंदर जो है, और जो पूरी प्रॉपर्टी उसके मालिक बन गए, उसी का मॉल बन रहा था, 750 करोड़ रुपये का मॉल बन रहा था। तो ये कागज आपने दिया, आपने PIL किया, आप हाईकोर्ट में गए, अब पल पल की निगाह रख रहे थे, ललन सिंह वकील हैं, दिन डे टू डे का क्या हो रहा है, क्यों नहीं सीबीआई का वकील गया, क्यों नहीं क्या कर रहा है, और आज आप दोस्ती हो गई तो कह रहे हैं कि साहब सीबीआई के खिलाफ में आप बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि मेरिट पर जाइए कि क्या मेरिट है जो एक्शन हो रहा है, और अगर बीजेपी के किसी के बारे में तो लिख कर दीजिए आप,